नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज स्पोर्ट्स। मैं हूं मनोज जोशी। आज हम बात करेंगे स्टीवन स्मिथ और डेविड वार्नर की, ऐसे दो दिग्गजों की जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ साल भर पहले जिन्हें प्रतिबंधित कर दिया गया था 1 साल के लिए, और वो भी बॉल टेम्परिंग के आरोपों में दोषी पाए जाने की वजह से। आज यानी 29 मार्च 2019 में उनका प्रतिबंध समाप्त हो रहा है और अब वो उपलब्ध रहेंगे यूएई में चल रही पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज़ के लिए। हालांकि उस सीरीज़ के 2-3 मुकाबले हो चुके हैं और तीनों ही मुकाबले जो हैं ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिए हैं और सीरीज़ को अपने नाम कर लिया है। आज चौथा मुकाबला है और अभी एक मुकाबला इस सीरीज़ का और होना है। इनके नाम पर शायद ही वहाँ विचार हो, लेकिन फिलहाल दोनों खिलाड़ी आईपीएल की टीमों में खेल रहे हैं। स्टीवन स्मिथ जहाँ राजस्थान रॉयल्स के एक भरोसे के खिलाड़ी साबित हो सकते हैं, तो वहीं डेविड वार्नर हैदराबाद की ओर से अब तक रंग दिखा चुके हैं एक मुकाबले में और वो हैदराबाद को उनसे काफ़ी उम्मीदें हैं। हम इन दो खिलाड़ियों के बारे में आपको बता दें, दोनों अद्भुत प्रतिभा के खिलाड़ी हैं। और अगर हम डेविड वार्नर की बात करें तो डेविड वार्नर जो हैं ऑस्ट्रेलिया के इतिहास के एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं, या ये कहिए कि पहले ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपने टेस्ट क्रिकेट की शुरुआत पहले की और प्रथम श्रेणी का क्रिकेट उन्होंने बाद में खेला। वो तीनों फॉर्मेट के ओपनिंग धाकड़ बल्लेबाज हैं। और वहीं अगर हम स्टीवन स्मिथ की बात करें तो उनका जो बल्लेबाजी का औसत है टेस्ट क्रिकेट का, वो 61 रन प्रति पारी से भी ऊपर है। यानी विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर और कुमार संगकारा, या पुराने बात करें तो सुनील गावस्कर, इन सब से उनका औसत ऊपर है। दोनों बहुत ही प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं और अब इन दोनों के आने से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्पर्धाएँ और ज़्यादा प्रतिस्पर्धी हो जाएंगी और ज़्यादा कड़ी प्रतियोगिता देखने को मिलेगी और इनके जलवे देखने को मिलेंगे जो पिछले साल भर से देखने को नहीं मिले हैं। आप क्या सोचते हैं इस बारे में, अपनी राय से हमें अवगत ज़रूर कराइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।